हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिस किचन। आज का रेसिपी मैं सुनी को भी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसनी गोभी मसाला बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक मीडियम साइज गोभी, ऐसे बड़ा टुकड़ों में कट के रखा। एक ओनियन बारीक चॉप करके रखा, टोमेटो बारीक चॉप करके रखा। आधा कप हरे मटर लिया, आधा कप बेसन, दो चम्मच ऑयल और थोड़ा सा ड्राई मसाला यूज करूंगी। बेसनी गोभी बनाऊंगी तो गोभी में पहले जो बेसन लिया था ऐड कर दिया। सब में हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से फ्लावर में कोट कर लूंगी। हाथों से ही अच्छी तरह से कोट कर लेती हूँ। गोभी का अंदर जो पानी था वॉश करके रखा था तो उसमें सारे मसाला भीग के और कोट हो गया। अभी 5 मिनट साइड में छोड़ देती हूँ। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। गोभी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया, इधर ऑयल भी गर्म हो गया। फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से गोभी को फ्राई कर लूंगी। देख सकते हैं पलट पलट के अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया और प्लेट में निकल लेती हूँ। देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। सारे गोभी को प्लेट में निकल लिया। अभी जो ऑयल बचा है उसमें आधा चम्मच जीरा ऐड कर देती हूँ। जीरा अच्छी तरह से चटकने के बाद रेड चिली ऐड कर देती हूँ। जो अनियन लिया वो भी ऐड कर देती हूँ। अनियन अच्छी तरह से फ्राई हो गया। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी हरे मटर लिया था अभी ऐड कर देती हूँ और मसाला के साथ फ्राई कर लेती हूँ। इसमें 1 चम्मच पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि ड्राई मसाला जल जाएगा तो इसके लिए। अभी ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, साथ में रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, सारे मसाले के साथ जब तक नहीं ऑयल रिलीज होता है तब तक अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। तो हरे मटर भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अभी जो क्रिस्पी करके गोभी को बेसनी गोभी को फ्राई करके रखा था सारे ऐड कर दिया और मिक्स कर लेती हूँ। सब में पानी ऐड कर देती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/2 चम्मच गरम मसाला। और 5 मिनट बॉईल कर लूंगी गोभी कुक होने तक। ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो और थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। सब्जी बनकर रेडी हो गया। अभी हरा धनिया ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। गैस बंद करके डिश आउट कर लेती हूँ। बेसनी फ्लावर गोभी बनके रेडी हो गया। टेस्टी बेसनी गोभी बन के रेडी हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।